सीबीएसई द्वारा जारी हुए सर्कुलर के मुताबिक 12वीं की अर्थशास्त्र की पुनः परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। 12वीं इकोनॉमिक्स की पुनः परीक्षा पहले वाले एग्जाम सेंटर पर ही होगी। इतना ही नहीं, इसके लिए पहले वाला ही एडमिट कार्ड भी मान्य होगा। वहीं इस पुनः परीक्षा में एब्रॉड के सीबीएसई स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे। वहीं 10वीं मैथ की पुनः परीक्षा की डेट फिलहाल घोषित नहीं की गई है, इसको लेकर संशय बना हुआ है। वहीं अगर इसके पुनः परीक्षा होती है तो वह जुलाई में होगी। ये सिर्फ दिल्ली NCR और हरियाणा में ही होगी। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप का कहना है कि पुनः परीक्षा का फैसला 10वीं गणित और कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के पेपर लीक की आई रिपोर्टों के बाद लिया गया है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की पुनः परीक्षा जल्दी कराए जाने का फैसला लिया गया है। 12वीं के छात्रों ने कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में कई कोर्सों के लिए आवेदन कर रखे हैं, ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। वहीं 10वीं मैथ की पुनः परीक्षा की डेट का ऐलान पेपर लीक मामले की जांच के बाद किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में आगामी 15 दिनों के बाद ही परीक्षा कराए जाने का फैसला लिया जाएगा। वहीं जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर उनका कहना है कि इस पर जाँच दो स्तरों पर की जा रही है। मंत्रालय को उम्मीद है कि बहुत जल्द जाँच रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये गलती कहाँ से हुई है। ऐसे में अभी बिना अंतिम जांच का परिणाम जाने इस मामले में कुछ भी कहना बेकार है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में पेपर लीक का मामला दोबारा नहीं होगा, तो इस पर उनका कहना था कि दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, हाँ इस दिशा में पूरी कोशिश की जाएगी कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होने पाए। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।